अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो 1 या 2% स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपस में, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर किसी स्टूडेंट से, आप नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो, खाली आप पॉजिटिविटी रखो दिमाग में। फिलहाल आप 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड या नियर स्टैंडर्ड में है, ठीक है, तो आप अपने गोल पे फोकस्ड रहो, ठीक है। तो अगर हम कल के फिजिक्स पेपर की बात करेंगे तो मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने बोला कि ईजी पेपर आया था एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री की। अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री पेपर भी उतना टफ नहीं आया था, वो ट्रिकी पेपर आया था, ठीक है, और उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ आई थी, तब जाके स्टूडेंट्स को लगा कि ये केमिस्ट्री पेपर जो था वो टफ था, ठीक है। और ये जो गेस्ट पेपर वगैरह होता है ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन बेचारों को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई रीजन होता है घर में, या किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं, या कोई भी इशू होता है, वो रिले करते हैं फिर किस पे, गेस्ट पेपर पे, ठीक है। और जिसने ये सारा एनसीईआरटी पढ़ा होगा या क्वेश्चंस किए होंगे तो उसको पेपर टफ नहीं लगता है, ठीक है। बाकी मैं यही चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये जो पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको एग्जाम्स में हेल्प मिले, आप अपना जो गोल है वो आप अचीव करेंगे, ठीक है। तो अगर हम आपका जो फिजिक्स पेपर आया था 12th का, तो अगर हम वो देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव्स आए थे आपके पेपर में, कुछ ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली आए थे, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो गेस्ट पेपर पे था वो यहाँ से आया था, और क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 6th पार्ट था वो क्वेश्चन नंबर 65 से लिया गया था, और जो ऑब्जेक्टिव नंबर 7 है वो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 47 से लिया था, और क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो ऑब्जेक्टिव नंबर 10 है वो यहाँ से लिया था क्वेश्चन नंबर 60 से, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन ये सेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो यहाँ से लिया था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पार्ट नंबर सी जो है वो यहाँ से लिया था क्वेश्चन नंबर 64। अगर हम उसके बाद यहाँ से देखेंगे जो ऑप्शन नंबर एच है आप लोगों का, तो वो यहाँ से लिया था डिफाइन न्यूक्लियर फोर्सेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, डायरेक्टली आया था। और नंबर आई है वो क्वेश्चन नंबर 57 जो गेस्ट पेपर पे था वो वहाँ से उठाया गया था, ठीक है। और अगर हम सेक्शन सी की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए वो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 12 से लिया गया था, और आपका जो ये ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर डी है, आपका जो पार्ट नंबर डी है स्टेट लेंसेज ला, वो हमने क्वेश्चन नंबर 32 रखा था गेस्ट पेपर में, ठीक है, वो सारे ने दिखाया भी था। और ये जो क्वेश्चन है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी ORCC में सर ने दिखाया था, मगर ये गेस्ट पेपर में हमने मेंशन नहीं किया था। अगर हम यहाँ से देखेंगे एफ पार्ट डिब्रॉगली क्वेश्चन नंबर 55 गेस्ट पे लिया था, और क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे जी पार्ट वो क्वेश्चन नंबर 56 गेस्ट पेपर में था, और अगर हम एच पार्ट की बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ से आप देख सकते हैं पीएन जंक्शन, और आई पार्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो क्वेश्चन नंबर 61 गेस्ट पेपर पे था, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन डी की बात करेंगे, ठीक है, तो गेस्ट पेपर में मैक्सिमम जो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आने चाहिए, ठीक है, तब जाके जो आपका स्कोर है वो ठीक रहता है, ठीक है, और जो स्टूडेंट है उसको बूस्ट मिलता है कि नहीं ये गेस्ट पेपर में आया था ये मैंने पढ़ा है, तो उसको थोड़ा सा एनकरेज मिलता है, तब जाके वो पेपर उसका जो है वो अच्छा होता है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन 4 पार्ट ए की बात करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन बराबर आया था स्टेट गाजिजला, यहाँ से आप देख सकते हैं और जो लैंग्वेज है वो भी सेम है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन पार्ट बी, ठीक है, तो हमने गेस्ट पेपर में रखा था आपको डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये पेपर में आया था, हमने गेस्ट पेपर में आपको दिया था इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पैटर्न तो सेम ही है, ये आप लोगों ने किया होगा जिसने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे निकाला होगा एक्सप्रेशन वगैरह, ठीक है, तो उसने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी ध्यान दिया होगा, उसने ये क्वेश्चन आराम से किया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखेंगे उस आपका सी पार्ट है पेज नंबर 7 पे, वो क्वेश्चन नंबर 49 गेस्ट पेपर पे था, यहाँ से आप देख सकते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसका जो आर पार्ट है व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये क्वेश्चन नंबर 45 गेस्ट पेपर में था, ठीक है, बराबर यही क्वेश्चन आया था और लैंग्वेज भी सेम आई थी। ये आपका पेपर था, इंशाल्लाह मैं होप करता हूँ आपका जो पेपर है वो अच्छे से गया होगा, सब ने अच्छे मार्क्स किए होंगे। बाकी आपका जो नेक्स्ट पेपर है बायोलॉजी का वो 28 को है, अभी 4 दिन है फिलहाल, ठीक है, आप अपने गोल पे फोकस्ड रहो, मैं फिर से यही बोलता हूँ, अपने गोल पे फोकस्ड रहो, नेगेटिविटी आप अपने जहन में मत रखो, ठीक है। और आज रमजान का महीना चल रहा है, आज आप लोगों के पास बहुत टाइम है पढ़ने का, तो आप पढ़ाई करो अच्छे से, ताकि आपका जो स्कोर है ओवरऑल स्कोर वो अच्छा हो जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ कीजिएगा मेरे लिए और मेरे टीम के लिए। अल्लाह हाफिज़।